बस आ रही है 26 एड्रेस चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ से बापू धाम के लोगों को बिठाकर यहाँ से रेलवे से छुट जाएगा। देखिए पहले इस बस में सैनिटाइजर किया जा रहा है, देखिए सैनिटाइजर किया जा रहा है, बस को सैनिटाइजर किया जा रहा है। ये देखिए बस में सवारियां बिठाने से पहले सैनिटाइजर किया जा रहा है बस को। जितने भी लोग इस बस में सफर करेंगे पहले बस को सैनिटाइजर किया जा रहा है। ये देखिए पूरी बस को सैनिटाइजर किया जा रहा है, फिर इसमें सवारियों को बिठाया जाएगा, यहाँ से फिर रेलवे स्टेशन के लिए छोड़ा जाएगा। वहाँ से ये लोग बापू धाम के लोगों को अमेठी और सुल्तानपुर के लिए रवाना किया जाएगा। ये देखिए सैनिटाइजर किया जा रहा बस को, ये आगे से ये देखिए बस को यहाँ से सैनिटाइजर किया जा रहा, फिर बापू धाम कॉलोनी के लोगों को बिठाकर अमेठी और सुल्तानपुर के लिए भेजा जाएगा। ये देखिए सीडीयू के बस को सैनिटाइजर करते हुए, इसी बस में लोगों को बिठाकर सुल्तानपुर और अमेठी के लिए रवाना किया जाएगा। इंडिया न्यूज चैनल और आज समाज अखबार से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज चैनल और आज समाज अखबार से मैं सुनील शर्मा, इस समय 26 सेक्टर चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़े, जहाँ पे ये देखिए बापू धाम के लोग, ये सभी बापू धाम के लोग अमेठी जाने के लिए बसों में बैठ रहे हैं। चलिए ये सभी लोग बापू धाम के हैं, अमेठी जाने के लिए ये बसों में बैठ रहे हैं। ये देखिए सभी लोग बापू धाम से हैं, ये देखिए दूर दूर हो जाओ। बापू धाम के लोग ये सभी अमेठी जाने के लिए बसों में जा रहे हैं। ये देखिए उधर देखिए, कर ले बापू धाम के सभी लोग यहाँ से सीटीओ की बस में बिठाकर यहाँ से इनको रेलवे स्टेशन छोड़ा जाएगा, वहाँ से ये अपने गांव जाएंगे ट्रेन में बैठकर। डॉक्टर साहब आपका नाम प्लीज, दो मिनट लूंगा मैं आपसे, हैं मोनिका। मोनिका मैडम, यहाँ से बापू धाम के जो लोग आए यहाँ पे इनकी स्क्रीनिंग हो रही, कितने लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है अभी तक? करीब 250-300। 250-300 आपके पास कितने ये लोग, कितने लिस्ट है इनकी आपके पास? 1200-1300 लोग बापू धाम के। देखो मैडम मोनिका ने ये बोला है डॉक्टर साहब ने कि 1200-1300 लोग हैं जो बापू धाम के यहाँ पे आए हुए हैं, सभी की स्क्रीनिंग होगी। अभी इनकी स्क्रीनिंग यहाँ पे 250 लोगों की हुई है स्क्रीनिंग, ये देखिए सभी की यहाँ पे स्क्रीनिंग होने के बाद इनको यहाँ से सीटीयू की बसों में बिठा के रवाना किया जाएगा रेलवे स्टेशन के लिए, वहाँ से ट्रेन में बिठा के इनको इनके गांव भेजा जाएगा। इंडिया न्यूज चैनल और आसपास अखबार से मैं सुनील शर्मा, इससे हम सीटीयू की बस में बैठे हैं, जहाँ पर ये जो बापू धाम के लोग हैं इनको यहाँ से सीटीयू की बस में बिठाकर रेलवे स्टेशन छोड़ा जाएगा, वहाँ से ट्रेन पकड़कर अपना जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये लोग? अमेठी के लिए ये लोग यहाँ ट्रेन से रवाना हो गए। ये देखिए एक ही बस में 27 लोगों को बिठाया गया है, आ गई है 27 लोगों को बिठाया गया ताकि इनका सोशल डिस्टेंस रहे। आप हाथ खड़े कीजिए सभी, ये 27 लोग हैं, ये सभी यहाँ से भाई साहब कितने लोग हैं इस बस में? 27 लोग। ये कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? अमेठी के लिए। ये अमेठी के लिए यहाँ से सीटीयू की बस में बैठा के जाएंगे रेलवे स्टेशन से, इनको वहाँ से ट्रेन में बिठा के रवाना किया जाएगा। किसी ने उतरना नहीं अभी, ठीक है। देखते रहिए इंडिया न्यूज और आज समाज अखबार से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। सुनील शर्मा की रिपोर्ट, यहाँ से सीटीयू की बस में 27 लोगों को बिठाकर स्टेशन छोड़ा जाएगा, वहां से इनको ट्रेन से रवाना किया जाएगा। ये 27 लोग जा रहे हैं, आपको आज कैसा लग रहा है? अच्छा, क्योंकि बापू धाम काफी दिन से बंद किया हुआ था। अभी तक बंद ही चल रहा है।
अभी बंद जा रहे हो, आपको आज कैसे लग रहा है? आपको यहाँ से निकाला हुआ है तो आप जा रहे हैं अपने गाँव? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है यहाँ से आके? चंडीगढ़ गवर्नमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा लग रहा है? यही चीज़ है, अच्छा लग रहा है? पहले कर दिए होते तो हम लोग को इतनी प्रॉब्लम ना। इनका कहना ये है कि जो 60-62 दिन हम अंदर कॉलोनी में रहे हैं, अगर हम 60-62 दिन पहले हमें भेज देते तो हमें और भी अच्छा लगता। चलो गवर्नमेंट ने अब भी हमें भेज रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इनके साथ है, ये देखिए 2.5 महीने से पूरे रूम में बैठे बैठे पक गए थे ये बच्चे। 2.5 महीने से अपने कमरों में बैठे हुए थे, क्योंकि बच्चों को बाहर निकालना भी बड़ा अजीब सा लगता है और मना भी किया हुआ था कि छोटे बच्चों को बाहर ना निकले और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बाहर ना निकले। इंडिया न्यूज चैनल और आज समाज अखबार से सुनील शर्मा की रिपोर्ट, कैमरा मैन बरिंदर जी सिंह। ये देखिए चंडीगढ़ पुलिस इंस्पेक्टर पूनम दिलावरी मैडम, इंस्पेक्टर सुखदीप, ये देखिए बच्चों को कैसे बिस्कुट वगैरह बांटते हुए। जो लोग यहाँ से अमेठी को जाने वाले हैं, यहाँ से CTU की बस में बिठा कर इनको भेजा जाएगा रेलवे स्टेशन में, वहाँ से इनको अमेठी भेजने के लिए ट्रेनें तैयार खड़ी है। देखिए इंस्पेक्टर पूनम दिलावरी और इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह और मुलाजम, पुलिस के मुलाजम बच्चों को बिस्किट वगैरह बांटते हुए। चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर पूनम दिलावरी और चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह और पुलिस मुलाजम, जो लोग अमेठी और सुल्तानपुर जाने के लिए यहां से CTU की बसों में बिठाकर इनको रेलवे स्टेशन छोड़ा जाएगा। ये देखिए उनको बच्चों को चंडीगढ़ पुलिस के जवान और पानी जो बाहर जाने वाले लोगों को बांटते हुए, पानी वगैरह बांटते हुए चंडीगढ़ पुलिस के जवान, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे पानी वगैरह बांटते हुए जो यहाँ से अमेठी और सुल्तानपुर लोग जा रहे हैं। बापू धाम के कुछ लोग हैं, कुछ मलोया के हैं, कोई लोग चंडीगढ़ छोड़ के जो अपने गांव जा रहे हैं उनको बिस्किट वगैरह पानी वगैरह बांटते हुए चंडीगढ़ पुलिस के जवान इंस्पेक्टर पूनम दिलावरी और इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह और चंडीगढ़ पुलिस के और भी जवान इनको बच्चों को बिस्किट वगैरह पानी वगैरह बांटते हुए। इंडिया न्यूज चैनल और आज समाज अखबार से सुनील शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए। ये देखिए बसें जा रही हैं अमेठी के लिए, यहाँ से इनको बिठा के CTU की बसों में रेलवे स्टेशन छोड़ा जाएगा, वहाँ से ट्रेन में बिठा के इनको अमेठी के लिए रवाना किया जाएगा। ये देखिए सभी बापू धाम के लोगों को CTU की बसों में बिठाकर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन छोड़ा जाएगा, वहाँ से ये अमेठी को रवाना होंगे। कुछ लोग सुल्तानपुर के लिए, कुछ लोग अमेठी के लिए, ये सभी बापू धाम कॉलोनी के लोग हैं जिनको CTU की बसों में बिठाकर यहाँ से रेलवे स्टेशन छोड़ा जाएगा, वहाँ से ट्रेन पकड़कर इनको अमेठी और सुल्तानपुर के लिए रवाना किया जाएगा। ये देखिए बापू धाम कॉलोनी के आ रहे हैं और यहाँ से इनको स्टेशन छोड़ा जाएगा, वहाँ से ट्रेन में बिठाकर इनको अमेठी और सुल्तानपुर के लिए रवाना किया जाएगा। ये देखिए सभी बसें यहाँ से स्टेशन जाएगी, स्टेशन से सुल्तानपुर अमेठी के लिए ट्रेन में बिठाकर इन लोगों को रवाना किया जाएगा।